यस और ताज़ा खबर बहुत ही ताज़ा है, एकदम ताजगी के साथ सब जगह फैल रही है वो। एंड सो हैप्पी फॉर भुवन। उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यू नो वो ही कीप्स एक्सपेरिमेंटिंग। वो एक बहुत ही पॉपुलर फेस है सोशल मीडिया पे, बट यू नो ही ऑलवेज हैव दिस फीलिंग कि यार मैं एक एक्टर भी हूँ और मुझे अपने आप को ब्रेक करना है, मुझे अपने आप को चैलेंजिंग काम करने हैं। सो आई थिंक ताज़ा खबर जो है उसकी एक शुरुआत है और आगे अभी बहुत कुछ होगा। साथ ही ताज़ा खबर में हम देख रहे हैं कि पूरा जो शूट है कहीं ना कहीं एक एक चीज़ों को अच्छे से पूरा लिया गया है। कौन सा सबसे बेस्ट पार्ट लगा है आपको पूरे सीरीज में? मुझे जो पूरा उन्होंने पूरा वो जो एरिया बनाया, जो मोहल्ला बनाया, वो इतना रियल लगता है जिस तरीके से उसको शूट किया गया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप एक एक मेड अप चीज को देख रहे हैं। कैरेक्टर्स बहुत रियल लगते हैं, बिलीवेबल स्टोरी है। ऐसे मिरेकल्स होते हैं दुनिया में, जिंदगी में, जो भुवन के किरदार के साथ होता है। देखिए, मैं आई हैव बीन वाचिंग भुवन वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग, यू कैन से, जब से इन्होंने यूट्यूब में शुरू किया था तब से काम देख रहा हूँ। और एक काम साथ किया भी हमने, डिंडोरा में हम दोनों साथ में थे भुवन के, तो भुवन के साथ काम भी किया था, तो बड़ा मजा आया था। और ताज़ा खबर मतलब सैडली मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जल्दी से देखो, लुकिंग फॉरवर्ड। टुमारो वी आर 26 जन, व्हाट यू वुड लाइक टू से टू ऑल द जनता हु आर गिविंग यू एन नंबर ऑफ लव, व्हाट यू वुड लाइक टू से फॉर आवर कंट्री? कुछ नहीं यार, ये दिन कुछ ऐसे होते हैं, वैसा तो हम रोज ही अपनी, यू नो, इट्स आवर कंट्री एंड वी लव आवर कंट्री, बट आई थिंक जैसे जन्मदिन होता है, जैसे रक्षाबंधन होता है, उसी तरीके से 26 जनवरी और 15 अगस्त होता है, जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि यार बहुत ही सैक्रिफाइस करके बहुत ही मुश्किलों से ये फ्रीडम मिली है। सो उसको एंजॉय करें, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। और जैसे कहते हैं ना कि यार देश तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, तुम भी देश के लिए कुछ कर लो। सो वो ये दिन होता है ये याद दिलाने का कि दिस इज़ आवर कंट्री एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कंट्री। पठान देखने जाऊंगा जल्दी से, और जिस तरह के रिव्यूज हैं, जिस तरह की ऑडियंस का रिएक्शन है, उससे लग रहा है कि अभी बीच में बड़ी शिकायत चल रही थी ना कि लोग हॉल में ऑडिटोरियम में नहीं जा रहे हैं, तो लगता है पठान ही बदलेगा। एग्जैक्टली, मैंने भी अभी देखी नहीं है, लेकिन ये एक फिल्म है जिसको देखने के लिए हम थिएटर में ज़रूर जाएंगे। आई थिंक पठान हिंदी फिल्मों को वापस से ऑडियंस को खींच कर लेकर आ रही है, ऑडियंस वो दिख रहा है, मैं भी सुबह से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। I mean, overall, we are relieved and happy that we've managed to cross multiple strata of society. As in, we have been trying to penetrate through Bhuvan's audience, but now that we're receiving such good news about the show, it just makes you feel happy, and it's a big relief for the crew who has worked very hard. So yeah, quite happy about it. After watching the Taza cover, what was the best part for you? The show, the best part for me would be it was on screen. Because after working for more than a year, you are just happy to see it on the screen, that it's out there and you can show it to people. And you don't have to anymore say that, oh, main Taza Khabar pe kaam kar raha hu. Oh, it's still happening. You can finally show people what we have made. Are we going to see more and more episodes if people have a demand? I am sure. I
थिंक द पीपल हु मैटर एंड हु विल टेल यू अबाउट दिस आई हियर, तो मुझे ही पूछ के बताना अगर होता है तो. देयर आर मेनी डिमांड्स, वी हैव सीन मेनी मोर वेब सीरीज. आई एम श्योर लाइक सर्च थिंग कि कंटेंट इज गुड, देन दे डिमांड फॉर इट. आई थिंक लेट्स पुट इट ऑन द ऑडियंस टू डिमांड फॉर इट. इफ यू सी अ मूवमेंट आई एम श्योर देयर विल बी अ सेकंड सीजन. Just thank you so much. Don't stop talking about the show. If your friends haven't watched it, please let them know. It's a good, sincere effort from our end. So yes, please watch it and please rate it on IMDb as well. Thank you. Thank you. So पकड़ लूं मैं? हाँ पकड़ ले. बढ़िया. हाय 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 हेलो मैम जी. दो साल पहले तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ शो बना भी पाएंगे, पर बना दिया, डाल दिया. पब्लिक को बहुत पसंद आया शो, और अभी जहाँ तक मुझे पता है अभी इस महीने का इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रीम्ड OTT शो है. उस चक्कर में मैं आज एक रिंग पहन गया, एक एडेड एक्सेसरी है मेरे पास, बट इट फील्स ऑसम. हॉटस्टार को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, एक दिल्ली के लड़के पे उन्होंने भरोसा जताया, और उम्मीद कर रहा हूँ अभी मिलूंगा सबसे अंदर कि उनके भरोसे पे मैं थोड़ा खरा उतरा. शूट के दौरान कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? क्योंकि मैंने देखा है पूरा वो जो गलियों का पूरा हाँ चीज़ है आपने दिखाई है. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. हमने बहुत गर्मी में शूट किया, तो बहुत पसीनेदार एक्सपीरियंस था. फ्रेंकली बहुत पसीनेदार एक्सपीरियंस था, बट मज़ा आया शूट करके. बम्बई में शूट करने में ही एक अलग मज़ा है, और हमने खूब शूट किया. हमने 55 दिन शूट किया, पर मज़ेदार बहुत अच्छा. कमेंट्स आपने पढ़े हैं आफ्टर द सक्सेस? ऐसा भी काउंट नहीं है कुछ, सब पढ़ा है मैंने. कुछ ऐसा कमेंट जो आपको अच्छा लगा? सारे अच्छे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे. सारे अच्छे कमेंट अच्छे. हाँ मतलब मैं पढ़ के फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ चलो अब और अच्छा करेंगे. बैंगलोर तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मैं कब देख पाऊंगा बैठ के, पर ट्रेलर देखा है मैंने, पर देखते हैं जब घर पहुंचूंगा, क्योंकि दिल्ली में देखने मजा आएगा उसको, तो घर जब पहुंचूंगा तब आराम से बैठ के फिल्म देखूंगा. और भी किस तरीके की सरप्राइज आप देंगे सभी ऑडियंस को? फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा ना. हिंट तो बनता हिंट है. क्या हिंट है? मतलब अभी अंदर पूछता हूँ क्या सीन है सीजन 2 का. वरना ऐसा तो वेट भी पूछा डायरेक्टर को सीजन 2 का क्या हाँ सीन है. हाँ अरे डायरेक्टर भी मेरे जितना ही क्लूलेस है. पर अंदर जाके पता करते हैं कि क्या है, अभी जाऊंगा तो पता चलेगा. कभी हम ऐसे देख सकते हैं कि इतने सारे व्यूअर्स हैं, उनको कभी आपके साथ आपकी कोई सीरीज में या फिर आपकी कोई या मैंने ऐसा किया था पहले, हमने राह गुजर मेरा गाना है उसका म्यूजिक वीडियो शूट किया था, उसमें हमने 400 लोग बुलाए थे जिनको मैंने बोला था कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे साइन अप करो,
और हम लोग 16 घंटे सारे साथ में हमने शूट किया था, वो है यूट्यूब पे, और ऐसा कुछ करेंगे ट्राई कभी मौका लगेगा फिर से। और भी क्या कुछ आप कहना चाहोगे सभी ऑडियंस को, जितने प्यार दे रही है आपको? हाँ यार, क्या बोलूँ मैं बिना बोले भी वो इतनी बातें समझ जाते हैं मेरी कि आपने का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने ताज़ा खबर को इतना प्यार दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है किसी वजह से तो जाइए देखिए, 2-3 घंटे में आप लोग निपट जाएंगे पूरे शो से और मज़ा आएगा आपको। एक आपके जैसे, मेरे जैसे और हमारे कई मित्रों जैसे लड़कों की लड़कियों की कहानी है, और आपने जैसे अभी तक मुझे YouTube पे प्यार दिया है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी उतना ही प्यार दिया। क्या हम आपको कभी कोई रियलिटी शो में देख सकते हैं? अब मेरे को लगता है मेरे जाने का समय। रियलिटी शो पता नहीं, कुछ नहीं पता। सोचा है कि कभी खतरों के खिलाड़ी या फिर? देखिए, मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक शो बनाऊंगा इंडिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ। अगर मुझे ये नहीं पता तो मुझे डेफिनेटली वो भी नहीं पता। एज एन मिनट कम्स वरदान। हाँ, वरदान भी अभी फोन मेरा ऑफ है, बट थैंक यू। मेरे को सबके साथ काम करना है, सबके साथ काम करना है, मुझे खूब काम करना है लाइफ में। अभी मैं परसों 29 का हूँ और मेरे को खूब काम करना है जरा तबीयत से। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोग, प्लीज़ थैंक यू, आपने वेट किया बहुत। अभी कुछ खान पीन का जुगाड़ कर सकते हैं ना? बिल्कुल, प्लीज़ आप लोग बिना खाए मत जाना, और अगर नहीं देखा है ताज़ा कर तो आप देख लेना, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए गिफ्ट है।